की यात्रा खत्म करते हुए चौधरी हंसराज जी की अंतम अरदास के बीच दूरों नेरों सके संबंधी मित्र दोस्त उस अरदास के बीच शामिल हुए। हम सहलानी सतगुरु भेजे सैर करने को आए हैं। संसार की यात्रा करने वास्ते संसारी जीव आंदा है। कबीर जिस नर में से जग डर मेरे मन आनंदा, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंदा। विश्वंदनिया सादेश गुरु देव बंदी श्रोक साहिब जी महाराज जी सहज ज्ञान दी अमृत मेरी गुरु वाणी आप सब पता ही है कि कुछ दिन पहला साहिब जी के हुक्म के अनुसार जिवें कि पावन राणी के अंदर महाराज जी प्रवान कर रहे हैं, जिसमें पंडित कहो कहाँ कौन गाई वो आत्मा वो तो ईश्वर की अंश है। सो इस करके दास बड़ी मन की गहराई नाल, क्योंकि मेरा समा हो गया, बड़ी मन की गहराई के नाल ठेकेदार दिया की विछड़ी हुई आत्मा सतगुरु जी महाराज जी उस विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरण कमलों के निवास दे। भाणे के अंदर जो धार्मिक परिवार है उस परिवार को ऐसा बल बख्शन ता कि जो ना सहन जो विछोड़ा है उसनों सहन करने का बल बख्शन ऐसी कृपा करन। सो दास इन्ना ही कह के अपने शब्दों को संकोच रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की। बंदी छोर साहिब जी महाराज, श्री सतगुरु भोगी वालों, श्री सतगुरु रखवाल साहेब वालों, श्री स्वामी गंगानंद जी महाराज, श्री स्वामी गंगा वाले महाराज, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अपने धाम आज की अरदास है सब संत प्रणाम, साधु माई पाप है साधु भाई बंद, साधु राम राम से काटे जन के भंग, संतों शरणा जाए के मस्तक की तरह बलाए, जय रज्जब सूरी दे काटे ही कर जाए, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, हरे दिन निश्चय इसी जला की देर, देही में गुल झट पड़ी तौले आ गए बाल, अब बिना चेता सुमन गोपाल गोपाल। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। कबीर साहब के पूर्ण स्वरूप जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहेब जी के हृदय कमल को प्रकट हुई पावन पवित्र सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले दुख चिंता हरने वाले मुक्ति देने वाले गुरबानी दरबार साहेब जी के रूप बंदी छोर सतगुरु भोली वाले महाराज, गरीबों के मसीहा सतगुरु गंगानंद जी महाराज, सतगुरु गौवा वाले महाराज, तापे के विराजमान स्टेज के विराजमान साढ़े बड़े गुरु भाई स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, स्वामी रमणानंद जी महाराज, स्वामी दसदेवानंद महाराज जी, मंगल मूर्तियाँ माताएँ देवियाँ सतगुरु जी के हंसे। Thank you.
बैठी हुई संत मंडल चौरी हंसराज जी स्वर्गीय ठेकेदार हुमन जी अंतिम अरदास दे अंदर आए हुए सारे ही रिश्तेदार मित्र सज्जन समाज सेवी मातामां देवियां जिस तरह के आप जी नूं सारे नूं पता ही है कि 10-12 दिन पहला ठेकेदार जी हुनी सानू श्रीवी विछोड़ा दे गए उन्हां दी अंतम अरदास लई असीं सारे ने इत्थे इकट्ठे होए हाँ। चौधरी हंसराज जी उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन दे लई एकत्रित होई सत संगत जी सत साहिब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिया उन्हां हुक्मां दे मुताबक चौधरी हंसराज जी पिछले दिन ही अकाल चलाना कर गए। ठेकेदार साहब सानू कुछ दिन पहला सदीवी विछोड़ा दे गए। ठेकेदार जी बारे सारे नू पता है कि बहुत ही अच्छे इंसान से मिलनसार इंसान से मिठ बोलड़े से और बहुत ही सत्कारयोग रिश्तेदार ठेकेदार हंसराज जी प्रभु के चरणों में जान वास्ते अज जिथे मैं देखदा सारे सियासी पार्टियां के आगू वक्त समाज सेवी सारी सात संगत उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने इतने इकट्ठी हुई है। मेरे तो पहला बुलारिया ने दसिया यही शख्सियत जिन्होंने अपने छोटे नगर तो उठ के जिथे खेतीबाड़ी अपने ठेकेदारी के किते अपना नाम चमकाया उन्होंने पुलिस के बीच भी सेवा की। महाराज जी हजूरी वोट पवा के शांति की पाठ किया गया। हंसराज का जीवन में समझना कि सानू बचपन तो देखने को मिले कि बड़ा ही शांत सुभाव से और समाज के अंदर अपनी पकड़ रखते सी। Yeah.
Come
Yeah.
संसार के बीच जीव फस जाता है।
ਉਹ ਫਸਿਆ ਵਾ ਕੀਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੈਲਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕੋ ਆਏ ਕੀ ਨਾਮ ਜਨਮੇ ਨਾਮ ਮਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਕੀ ਗੀਤਾ ਚ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਜੰਮ ਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਸੈਲਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜੀ ਸੈਲ ਕਰਨ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਹਮ ਜਨਮੇ ਨਾ ਹਮ ਮਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਹਮਰੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਇਓ ਜੋ ਰੋਏ ਪਛਤਾਏ ਜੀ। ਹੰਸੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਲੋਕ ਪਠਾਏ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਵੇ ਸੰਤੋ ਅਜਰ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਮਨਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਣੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਯਤਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਮਨਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਟਾਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹਮ ਸੰਤੋਂ ਹੰਸਾ ਪਦ ਪਰਸਾਇਆ ਜਿਨ ਲੀਨਾ ਹਮਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਸੋ ਹੰਸਾ ਹਮ ਕੀਏ ਮਨ। ਗਰੀਬ ਜਮਜਾਰਾ ਸੇ ਕਰੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਰੇ 14 ਕੋਟ ਨਾਲ ਜੰਪ ਹੀ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੀ
पवित्र गुरबाणी को बड़ी गहराई के नाल देखा जाए क्योंकि अज का जो विशा है वो विशा बड़ी गहराई के अंदर है। जिमें कि शावण राम साडे समाज के अंदर कोई भी प्राणी जब ये पंज भौतिक शरीर का त्याग करता है कई जगह शब्द वरत्या जाता है अकाल चलाना कर जाना जा मौत शब्द है क्योंकि शब्द की गहराई दे विच जाइए पूरी पवित्र गुरबाणी के अंदर सतगुरु जी महाराज जी केवल तीन गल है क्योंकि बड़ी गहराई के नाल पवित्र गुरबाणी को सुनिया जावे ता अंतम सच निकलता है कि यह संसार जिसनों असी सच बन के बैठे है इस शरीर के विच क्या है जिस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते सार मंत्र मतंत्र जा साडे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं वो परिपूर्ण परमात्मा शरीर के विच क्या है फिर साडी जीव आत्मा क्या है इसे दे आस पास भी साडे धर्म ग्रंथ है क्योंकि सानू सधारण जीवां नू समझाने के वास्ते महाराज जी पावन बाणी के अंदर बड़े ही सरल वचन करते हैं दम दा नहीं भरोसा बोलो अब तुम कार चलने का सूर क्योंकि वैसे तो साडे धर्म ग्रंथां का अंतम सच तो यह है कि ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਸ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਅਬ ਤੂੰ ਕਰ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਸੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਸ਼ਟ ਪੜੇ ਸੋ ਧੋਖਾ ਰੇ ਖੰਡ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚਲੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਰੇ ਹਲਕ ਕੀ ਪਲਕ ਮੇ ਖਲਕ ਸਭ ਹੀ ਵਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਲਕ ਕੀ ਪਲਕ ਮੇ ਖਲਕ ਸਭ ਹੀ ਵਸੇ ਖਲਕ ਕੀ ਪਲਕ ਸੇ ਹਲਕ ਨਿਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਿਓ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ
दिख रहा है, सलीप दे विच मशहूर है। इस करके सब तो परिपूर्ण परमात्मा ही है और उस परिपूर्ण परमात्मा की ही अंश साडी जीव आत्मा है, क्योंकि वाणी के अंदर महाराज जी कह रहे ठेकेदार हंसराज जी, क्योंकि उन्होंने आत्मा तो ये शरीर में छड के जीवी हुई गई, इसे ही करके उन्होंने अंतम अरदास आत्मक शांति के वास्ते आप सारे ही सतगुरु जी महाराज जी के चरण कमलों के प्रार्थना बेनती अरदास करने वाले अंतम अरदास इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी गहराई के नाल देखो जन्म आस्ती और विपुल विपरन सारा का नाम सब प्रकार दिया जिसे कि आत्म स्वयं प्रकार, क्योंकि वो साडा बचपन वाला शरीर नहीं रहा, जवान अवस्था आई तो जवान अवस्था नहीं आई, इस तरह शरीर की अवस्था बदलदिया है, लेकिन जीव आत्मा जो कि क्यों है। इस करके सतगुरु जी महाराज जी आरती के पहले शब्द के विच ही खंड खंड में आरती का जी सतगुरु मही हर जोत पराजी वाली तीजे पातशाह जी महाराज जी, हे श्री राम मेरे तुझ में जोत धरी तू जग में आया, हर जोत धरी तुझ अंदर तू जग में आया, क्योंकि आत्मा की कदम मौत नहीं होगी। इस करके शब्द मुझे बड़ी गहराई ना असं समझ के एक सच्ची साधना के नाल एक सच्ची साधना के नाल जुड़ लीए, फिर साडा संत मत मानता है जीवत मुक्ता सो करो आशा जिसना खंड मन के जीते जीत है जो मरने ब्रह्मांड। सो इस करके सतगुरु कहना जावी पंडर कहो गां गुण गाई, वो आत्मा वो तो ईश्वर की अंश है। सो इस करके दास बड़ी मन की गहराई नाल, क्योंकि मेरा समा हो गया, बड़ी मन की गहराई दे नाल ठेकेदार दियां दी विछड़ी हुई आत्मा सतगुरु जी महाराज जी उस विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरण कमलों दे विच निवास दे, भाणे दे अंदर जो धार्मिक परिवार है उस परिवार नूं ऐसा बल बख्शण तां कि जो ना सहन जो विछोड़ा है उसनों सहन करन दा बल बख्शण, ऐसी कृपा करन सो दास इन्ना ही कह के अपने शब्दों नूं संबोध रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की, बंदी छोड़ साहिब जी महाराज, श्री सतगुरु भूमी वालों, श्री सतगुरु रखवाल साहेब वालों, श्री स्वामी गंगानंद जी महाराज, श्री स्वामी गंगा वाले महाराज, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पानी कृष्णा गुरु राजो तेरा प्रणाम। चलता फिरता मनुष्य नूं कहिंदे वी हंसराज नहीं आए, जो बोलने वाली शक्ति मिली जाती है कहते उन्होंने डेड बॉडी आई कि नहीं आई, किन्ने टाइम के बीच बदल जाता है, जो बोलने वाला चले गया कहते भी डेड बॉडी आई कि नहीं, हंसराज नहीं कोई बोल लो डेड बॉडी आई कि नहीं आई। स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने बहुत चंगे ढंग के नाल बाणी के नाल आए हुए संगत को समझा कर रहे हैं। हम साढ़े को स्वामी सहदार जी महाराज सैले तो पहुँचे हुए हैं, 10 मिनट वास्ते सहदार जी अपने अनुभव वचन रखेंगे। सतगुरु देव की जय। आप अपने धाम आज की अरदास है सब संत प्रणाम, साधु माई पाप है साधु भाई बंद, साधु नाम राम से काटे जन के भंग, संतों शरणा जाय के मस्तक की तरह बनाए, जय रजत सूई दे काटे ही कर जाए, पलटू लिखा नसीब का संत के पैर फेर, हरे दिन निश्चय इस बिजला की देर, देही में गुल झट पड़ी तौले आ गए बाल, अब भी न चेतन सुमर गोपाल गोपाल, बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। कबीर साहब के पूर्ण स्वरूप जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहेब
साहिब जी के हर कमल को प्रकट हुई पावन पवित्र सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले दुख चिंता हरने वाले मुक्ति देने वाले गुरबानी दरबार साहिब जी के रूप बंदीशोर सतगुरु पूरीवाल महाराज, गरीबों के मसीहा सतगुरु गंगानंद जी महाराज, सतगुरु गवा वाले महाराज, ताबे के विराजमान, स्टेज के विराजमान साढ़े बड़े गुरु भाई स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, स्वामी रमणानंद जी महाराज, स्वामी दसदेवानंद महाराज जी, मंगल मूर्तियाँ माताएँ देवियाँ सतगुरु जी के हंस। आप सभी को पता ही है जो भगत हंसराज ठेकेदार अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए बनी चौधरी दास जी महाराज जी की वाणी के आदि हमके भोग पाए गए हैं। महाराज जी की वाणी में माला पे किता गया है। जिस तरह से कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी बनी छोड़ महाराज, जो भगत हंसराज ठेकेदार की दिवंगत आत्मा अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके गए हैं उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान लेना लाग रखना मनी छोड़ महाराज। जेड़े जेड़े भक्त माता देवी आपके दरबार में पहुँचे हैं सबको सहन शक्ति का बल प्रसन्ना मनी छोड़ महाराज ने छह शास्त्र प्राण नवरात्र 27 समर्थियाँ दर्ज की है। मनी छोड़ महाराज की वाणी कोई एक भाषा का जानने वाला या दो भाषा का जानने वाला या चार भाषा का जानने वाला महाराज की वाणी के बारे में ही जान सकती है। जिस नगर में जिस घर में महाराज की वाणी का पाठ होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। महाराज की वाणी के अंदर गीता भागवत रामायण, जिसने महाराज की वाणी का पाठ करवा लिया उसने दूसरा पाठ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज की वाणी सब शास्त्रों का निचोड़ है। गीता भागवत रामायण कर्म ग्रंथ गौ वाले महाराज सतगुरु गंगानंद जी महाराज महापुरुषों से जो उपदेश मिला है, जो बाबा गरीबदास महाराज की वाणी है सर्वोपरि सार वेदों का सार है। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर हम उसी कोई वाणी लेके चलेंगे तो हमारा जो विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा। विश्वास के ऊपर ही सारा काम है। बाबा गरीबदास जी महाराज वाणी निचोड़ है, मैं तो हूँ विश्वास में, तो बंदी छोड़ सतगुरु विश्वास के अंदर है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों ये याद रखने की बात अपने हृदय में उतारने की गल्ला बाबा गरीबदास जी महाराज ने ये वाणी छोटी ही उम्र में हमारे कल्याण के वास्ते की थी। पहले वाणी के बारे में कोई नहीं जानता था, तो ये सारी साडे ऊपर कृपा सतगुरु पूरीवालों ने महाराज की वाणी के पाठ शुरू करवाए, महाराज के नित नियम शुरू करवाए। अगर किसी भी घर में किसी प्रकार का कष्ट है, महाराज की वाणी में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, एक मंत्र से ही सारे परिवार का सारे घर का कष्ट दूर हो सकता है। अगर जो पाठ है दुख भंजन दरवेश दयाला असुर निकंदन घर पैदा कर, अगर किसी घर में गरीबी है, बाबा गरीबदास जी महाराज कहते हैं रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई दारिद्र मोक्ष सब हो जाए, तो महाराज की वाणी में ऐसे ऐसे मंत्र हैं। अगर हम अपने सतगुरु की वाणी को मुखर के चलेंगे तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो गुरु प्रेमी आप बड़े भागा वाले हैं, सभी ने पता भगत हंसराज अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके गए हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। तो कबीर साहब जी अपने भक्तों को सांत्वना देते हैं, जैसे स्वामी रमणानंद जी महाराज ने भी ये भी दस्या है, इस आत्मा का कोई नाम नहीं है, ये आत्मा है परमात्मा का रूप है। बाबा गरीबदास जी महाराज कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक कै नूर जहूर बीच कर झाई कर्म की ताते करिए तू। तो जो ये आत्मा है जीवात्मा, ये परमात्मा का रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुकरासी सो मायावश भया गुसाई बंधा की मरकट की न। तो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं ये जो जीव आत्मा ईश्वर का अंश है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हिंदू आत्मा, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, आत्मा की कोई जात नहीं है। ये शरीरों के नाम है, शरीरों की जात है। जैसे अभी भी देवेंद्रानंद जी महाराज ने दस्या था कि भाई हंसराज की डेड बॉडी आ गई, जब शरीर पूरा हो जाता है तो नाम नहीं रहता, उसका नाम तुरंत बदल जाता है, ये शरीरों के नाम है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज जी समझाते हैं अपनी वाणी में, जिनका ये पंथ है
जिनको गरीबदास जी महाराज ने ग्रंथ साहब के अंदर सतगुरु कबीर साहब के बारे में हजारों हजारों बार दस्या, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए सो तो एक कबीर है जननी जनान मार। तो बाबा गरीबदास जी महाराज जी दस दे कबीर साहब के बारे में, केवल सतपुरुष कबीर साहब को ही बाबा गरीबदास महाराज ने कहा और किसी को नहीं कहा। बाबा गरीबदास जी महाराज कहते साहेब सबके बाप है, बेटे का होके ना ही बेटा को होके उपजा सो तो साहेब ना है। हम नहीं करे बाबा गरीबदास जी महाराज की बाणी। भाई छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तो बंदी छोड़ महाराज दसते हैं ये छोड़ कर संसार को सीधा किसने साथ देना है, किसके साथ खतरा बग्गी कर रहे हो, किस वास्ते इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं इस धरती के ऊपर कोई संत कोई भगत कोई राजा सारा जीवन में मेहनत कर ले हो एक श्वास के बराबर कोई धन इकट्ठा नहीं कर सकता, एक स्वार्थी का धन दे ले एक श्वास नहीं कर सकता। तो बंदी छोड़ महाराज ने हमारे आप सबको अनमोल रत्न दीता है जिसका कोई मोल नहीं बता सकता। तो ये जो जीवन है देखते में लगवाने के लिए बंदी छोड़ we'll be right back.
ਦਸਤੀ ਕਣਿਆ Oh,
जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की अमृतमई बाणी संत मंडल मंगलमय मूर्ति माता बु देवी प्रेमी सज्जनों आप सब संगत चौधरी हंसराज उन्होंने की अंतम अरदास के विच शामिल हुई हो। गुरबाणी का प्रमाण है जो आया सो चल सी सब तो आई बाणी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है। कहते जेड़ा संसार से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई संघासन चढ़ चला कोई बंदा जंजीर। कहते जेड़ा संसार से आया है उन्हें जाना बस है भावे कोई राजा है भावे कोई कंगाल है भावे कोई फकीर है भावे राजा है भावे रंग भावे फकीर कोई संघासन चढ़ चला। कहते तेरी क्या बुनियाद है कहते की बुनियाद है तेरी की पता है अंदर गया साहब बाहर आवे जा ना इसे करके गरीबदास महाराज जी कहते तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म घर देत गरीब लाई हना हो जाए हना ना है ना भावे कोई राजा है भावे रंग है भावे फकीर है राजा रंग फकीर खड़ा हो जाएंगे बिना बन की बात बहुत पछताएंगे। कहते बाद के पछताना है दास तो पहला स्वामी दविंद्रानंद जी महाराज गोपीए वाले आप सब संस्थान को उपदेश दे रहे हैं फिर स्वामी रामानंद जी महाराज स्वामी सहनदार जी महाराज पर जो राम भगवान नरवास हो राम भगवान कलंक लगे भक्त बड़ा दुखी होता है क्यों देखो नहीं करते बड़ा मन दुखी है कोई भी उसकी सुन रही प्यार जब कोई ना ना सुने फिर जी जना भारतीय विशिष्टी के चरणा के गए जाके बेनती करी महाराज विशिष्ट जी समझाते ने भाई ये सारा प्राण अंदर का खेल है जेडे जीवन काल के विच ना जो जीव बीजद जो भी संसार ध्यान देना प्यारे अज आप सुख समा के जुड़े हैं एक दिन अपने से भी यह समा आना है प्यारे हो वसिष्ठ जी कहते जेड़ा बीजिया वह मिलना है वसिष्ठ जी अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि कहते सुनो भक्त जी भावी है प्रबल है जी होन हार है प्रबल है पता नहीं कदों की हो जाने आप संसार के विचर रहे हैं देख रहे हैं पता नहीं कदों कि समा कर्म अगे आ जाएगा
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਮੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਰੁੱਖਾ ਖਾਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਡਕੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਆਵੀ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਜਸ ਹੀ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਹਾਨੀ ਤੇ ਲਾਭ, ਜੀਵ ਲਾਭ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜੀਵਨ ਮਰਨ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਸਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਲਾਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਾਸ ਅਪਜਾਸ, ਜਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪਜਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਤਾਖ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ ਉੱਡਾਂ, ਕਿਸਮ ਆ ਕਿਸਮਤ ਆਖ ਦੀ ਡੋਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਰ ਦਮ, ਕਿਸਮ ਤਾਖ ਦੀ ਪਵੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੱਟ ਪਹਿਨਾਂ, ਕਿਸਮ ਤਾਖ ਦੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸ, ਚਾਹੇ 100 ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ। ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਸ ਅਪਜਸ ਵਿਧੀ ਹਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਰਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਗਵਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
धर्म राय जब लेखा मांगे क्या लेके जाएगा सिमरन भजन दया इन्नी समझाते